हेलो भाई, मेरा नाम विकास। आज हम बात करने वाले हैं टाटा हेरियर कार के बारे में, जो सामने खड़ी है ब्लैक कलर में, की बात करते हैं कि इस प्रकार की देखने को मिलती है। अब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस प्रकार का आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, साथ ही हेलोजन फॉग लैम्प देखने को, इस प्रकार की ग्रिल देखने को मिलती है, साथ में टाटा लोगो। फ्रंट साइड में आपको कैमरा ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही आपको DRL लाइट देखने को मिलती है। सामने आपको डुअल वाइपर ऑप्शन देखने को मिलता है, सनरूफ देखने को मिलती है और एंटीना भी देखने। टाटा मोटर्स 25 साल के अंदर 50 लाख गाड़ियां बेच चुकी है, साथ ही आपको साइड में इलेक्ट्रिक फोल्डेबल देखने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही 360 कैमरा ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही हैश डार्क की बैचिंग देखने को मिलती है। इस प्रकार को आपको टाटा हेरियर का साइड व्यू देखने को मिलता है और इस गाड़ी के साथ आपको 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, साथ ही इस प्रकार का डीजल फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। टाटा सफारी का बैक साइड भी आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है, आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो आपको एग्जॉस्ट इस प्रकार का देखने को मिलता है, साथ ही आपको हेरियर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, टाटा का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, साथ में बैक साइड कैमरा। बात करते हैं बैक लाइट के बारे में, बैक लाइट आपको इस प्रकार की देखने को मिलती है, साथ ही आपको बैक साइड में एक वाइपर देखने को मिलता है, साथ ही आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। चलते हैं बूट स्पेस की तरफ, बात करेंगे बूट स्पेस के बारे में। 425 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिलता है, बूट स्पेस के अंदर ही आपको स्पीकर देखने को मिलता है। अब चलते हैं बीच वाली सीट पर, बात करते हैं यहाँ पर आपको बड़ा सा स्पीकर देखने को मिलता है, साथ ही कप होल्डर देखने को मिलता है, विंडो कंट्रोल, साथ ही डोर ओपनर देखने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही ट्विटर देखने को मिलता है। बात करते हैं बीच वाली सीट के तो आर्मरेस्ट देखने का ऑप्शन मिलता है, साइड पिलर्स के अंदर आपको एसी वेंट देखने को मिलते हैं, साथ ही चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और खाली स्पेस देखने। बीच वाली सीट से कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड भी देखने को मिलता है। चलते हैं आगे और बात करते हैं डोर के बारे में, ग्लास होल्डर देखने को मिलता है, साथ में स्पीकर और यहाँ पर सभी विंडोज के कंट्रोल, यहाँ से आप ORBM को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हेरियर में ऑटोमेटिक पेडल देखने को मिलते हैं, साइड में आपको एसी वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से इंजन को स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते। बीच में आपको कप होल्डर देखने को मिलता है, साथ ही आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट के नीचे आपको खाली स्पेस देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, साथ ही आपको 6 ऑटोमेटिक गियर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, जिस मोड में आपको चलाना है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को, साथ ही आपको फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी देखने को मिलती है। बीच में भी आपको 2 एसी वेंट देखने को मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इस प्रकार देखने को मिलती है। आपको LED लाइट देखने को मिलती है, ये सारे सनरूफ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार से ओपन हो जाती है, साथ ही स्टीयरिंग पर बड़ा सा टाटा का लोगो, आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, राइट साइड से आपको क्रूज कंट्रोल, साथ ही हेडलैम्प कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल भी देखने को मिलता है, साथ ही आपको इस प्रकार का डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है। बस यही था इस वीडियो के अंदर, बातें इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में, जो आपको 24.27 लाख रुपए देखने को मिलती है। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।